बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं महागठबंधन के नेता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत सिंह के साथ पोलिंग बूथ में कई दबंग कार्यकर्ता भी आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के साथ महागठबंधन समर्थकों की झड़प हुई है। सत्येंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे मतदान केंद्र पर क्या हलचल है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं जहां पर दबंग कार्यकर्ता पहुंच गए महागठबंधन के। सत्येंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत सिंह के साथ पोलिंग बूथ में कई दबंग कार्यकर्ता आ गए। इंतजाम जो किए गए हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, उसे लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। सब इंस्पेक्टर के साथ महागठबंधन के समर्थकों की झड़प हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान केंद्र पर पुलिस सुरक्षा नहीं पाई गई, जिसके चलते झड़प हुई है और मतदान केंद्र पर गठबंधन के कार्यकर्ता दबंगों की तरह घूम रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। कन्या जूनियर हाई स्कूल बुढ़ाना बूथ नंबर 88 का यह मामला है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान केंद्र पर महागठबंधन के जो नेता है वो पहुंचे हैं और पोलिंग बूथ पर अजीत सिंह के साथ कई दबंग कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, सब इंस्पेक्टर के साथ महागठबंधन समर्थकों की झड़प हुई है। सत्येंद्र एक बार फिर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ जानकारी है? मतदान केंद्र पर पुलिस सुरक्षा भी नहीं है और ऐसे में महागठबंधन के दबंग कार्यकर्ता भी पहुंच गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मामला बुढ़ाना क्षेत्र का है, जहां पर गठबंधन प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और वहां पर कारसुनी हो गई, जिसको लेकर झड़प भी हुई। जी सत्येंद्र, साथ ही क्या पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं है? देखिए, वहां पर बहुत कम पुलिस प्रशासन लगाया गया था और जब ये मामला हुआ तो वहां पर पुलिस के साथ भी झड़प हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर के साथ झड़प हुई थी। सत्येंद्र, फिलहाल स्थिति कैसी है? क्या स्थिति को काबू कर लिया गया है, यानी कि जो झड़प हुई थी क्या स्थिति काबू हो चुकी है? जी बिल्कुल, मौके पर भारी पुलिस फोर्स भेजा गया था और जो प्रशासन है वो भी मौके पर गया था, जिन्होंने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो अजीत सिंह के साथ पोलिंग बूथ पर कई दबंग कार्यकर्ता आ गए, हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं और समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है, लेकिन झड़प हुई है यहां पर मतदान केंद्र पर और पुलिस सुरक्षा नहीं पाई गई, यानी कि बहुत कम पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी। मतदान केंद्र पर घूम रहे हैं गठबंधन के कार्यकर्ता जो कि दबंगई दिखा रहे हैं, इस तरीके की खबर सामने आई। कन्या जूनियर हाई स्कूल बुढ़ाना बूथ नंबर 88 का यह मामला है, जहां पर महागठबंधन प्रत्याशी अजीत सिंह के साथ गठबंधन के कई दबंग कार्यकर्ता पहुंच गए और यहां पर झड़प का भी मामला सामने आया है। सब इंस्पेक्टर के साथ महागठबंधन समर्थकों की झड़प हुई है, यानी कि पुलिस फोर्स कम लगाई गई थी यहां पर।